स्टार्ट साल 1966 विच पंजाब दे पुनर्गठन समय हरियाणा दे वख होण अते पंजाब दे बहुत सारे होर इलाके हिमाचल प्रदेश विच चले जान कारण जिथे पंजाब बेहद छोटा हो गया उथे केंद्र सरकार दी बदनीति अते पंजाब दे संबंधित आगुआ दी सीमित सोच करके कुछ अजिहे मसले आ खड़े होए सन जिन्हां दा संतुष्टिजनक ढंग नाल हुण कोई भी निपटारा नहीं कीता जा सकिया डंडी क्योंकि यह वंड पंजाब नू मुख रख के कीती गई सी। इसलिए पंजाब दे उस समय दे गिले बरकरार रहे जिन्हां नू स्थानक लीडरशिप विच प्रोड़ता दी कमी करके अते केंद्र दियां तत्काली सरकारां विच भी दयानतदारी दी घाट करके सुलझाया नहीं जा सकिया डंडी। अज ए मसले इन्ने गंभीर अते गुंझलदार बन चुके हन के सूबे लई वड्डियां चुनौतियां बन के आ खड़े होए हन डंडी। बिना शक पिछले समय विच अकाली दल अते होर पार्टियां ने पंजाब नू इंसाफ दवाउण लई इन्हां मुद्दियां नू लै के अपनी आवाज़ भी बुलंद कीती अते कई बार अंदोलन भी कीते पर केंद्र सरकार इन्हां नू हल करन लई टस तों मस ना होई डंडी। आज़ादी अते देश दी वंड तों बाद चढ़दा पंजाब इतिहासिक शहर लाहौर तों विरवा हो गया सी। इसलिए पंडित जवाहर लाल नेहरू दे प्रधानमंत्री हुंदियां उन्हां दे यतना नाल पंजाब नू स्टार्ट इस दी धरती उत्ते चंडीगढ़ वसा के राजधानी दे रूप विच एक तोहफा दिता गया सी। पर अज सूबे कोलों ए राजधानी भी खुस गई है डंडी। बहुत सारे पंजाबी बोलदे इलाके इस तों कट दिते गए अते दरियाई पानियां दे मसले उत्ते अजेही गुंजल पा दित्ती गई जो अज बेहद गंभीर रूप धारण कर चुकी है डंडी। पंजाब विच्चों लंघदे दरियावां दा पानी वड्डी मात्रा विच राजस्थान नू दे दित्ता गया डंडी। हरियाणे विच्चों लंघदे यमुना दरिया उत्ते पंजाब दा कोई हक ना मन्या गया डंडी। सतलुज यमुना लिंक नहर दा भी एक वड्डा विवाद खड़ा कर दिता गया डंडी। इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री हुंदिया अप्रैल 1982 विच इस लिंक नहर लई टक लगाया सी। इस नहर राही हरियाणे नू पानी दिता जाना सी अते इस मकसद लई इस दा 122 किलोमीटर दा हिस्सा पंजाब विचों कढ़िया जाना सी। उस समय तो ही हरियाणा इस नहर दी उसारी दी मंग करदा आ रहा है डंडी। पर पंजाब दा पक्ष यही रहा है कि उस कोल अपनियां लोड़ां लई ही पानी दी घाट है डंडी। इसलिए ओ अपने दरियावां विचों होर पानी नहीं दे सकदा डंडी। पिछले लम्मे अरसे विच इस खित्ते ने बहुत सारे उतरा चढ़ा देखे हन। इसने वड्डी पद्धर उत्ते हिंसा भी देखी है डंडी। घटनावां दे